أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह हैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस के गेस्ट पेपर यानी एमए एजुकेशन के गेस्ट पेपर इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी गौर से सुनना है और कोशिश करनी है कि आपने सवालात को लिख लेना है या निशान लगा लीजिएगा, क्योंकि मैं आवाज़ की सूरत में आपको गेस्ट पेपर बताऊंगा। तो काइंडली आपने आवाज़ पर लाजमी फोकस करना है, और इसके अलावा अगर एक बार समझ में ना आए मेरी बात तो दूसरी बार लाजमी वीडियो वॉच कीजिएगा, और तीसरी बार इंशाल्लाह आपको लाजमी वीडियो की समझ आ जाएगी। सबसे पहले निसाब के तारुफ वाले चैप्टर में से आपने निसाब की तदवीन यानी निसाब बनाने के असूल व ज़वाबित, और इसके अलावा अच्छे नसाब की खसूसियात को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नसाब की तरीफ भी अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। यह है फर्स्ट चैप्टर में से इम्पोर्टेंट सवालात। नेक्स्ट है जी तदवीन नसाब की इकसाम, और इसके अलावा तदवीन नसाब की बुनियादें कौन कौन सी हैं, उन बुनियादों पर नोट आपने लिखना है, उनकी खूबियाँ खामियाँ सवाल बुनियादों के मतलब लाजमी वो पूछेगा। तो काइंडली आपने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है जी। नेक्स्ट आपने सवाल तैयार करना है जी, नसाब साजी और उस्तादजा का करदार बयान करें जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ बेल आइकन के बटन पर जाके ऑल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। नेक्स्ट है जी तरक्की नसाब के मसाइल पर नोट लिखें, और इसके अलावा आपने उनके मसाइल को हल करने के लिए अहम सफारशात को यानी अहम तजावीजात को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है जी नसाब के मवाद यानी मजबूने मवाद, ठीक है, इसका इंतखाब और इसकी तंजीम पर नोट, यानी नसाब के चुनाव के मवाद के लिए चुनाव के लिए अल्फाज जौन से हैं, जौन सा नसाब का मवाद है उसको, उसके इंतखाब के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार हैं वो आपने तैयार करने हैं, और इसके अलावा उसके असूल व ज़वाबित खूबियाँ खामियाँ, और उसके अलावा उसकी तंजीम यानी उसका तौर तरीका आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है जी। पाकिस्तान में नसाब के मसाइल और उनके हल के लिए सफारशात, और उसके अलावा उस नसाब में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतनाज़ा हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है जी, ताकि आपका पेपर अच्छे तरीके से अटैम्प हो सके। नेक्स्ट आपने तैयार करना है जी नसाब के तसव्वुर, नसाब का तसव्वुर लिखें जी, नसाब का खाका बयान करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल के लिंक को लाजमी दोस्तों के साथ शेयर किया होगा। और इसके अलावा एक और अहम बात बताता चलूँ, मैंने 9th से लेकर एमए इंग्लिश तक, और इसके अलावा ISSB से लेकर PPS 3 तक ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं वो मेरे व्हाट्सअप नंबर और कमेंट सेक्शन पर रब्ता कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ आजकल जदीद दौर है, ग्लोबल दौर है, तो स्टूडेंट्स आप लोग टाइम के ज़िया के बगैर ही अपना कीमती वक्त बचा के ऑनलाइन क्लासेस में अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को जारी रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ बेल आइकन के बटन पे जाके आल पे लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।